तालिबात के एहतजाज की डिग्रियां दो ग्लोबल यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज करते हुए कैनाल रोड को ब्लॉक कर दिया है। एहतजाज के बायस कैनाल रोड और मलहका सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। 150 तलबा हैं जिन्होंने पूरे शहर की ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया है। एहतजाज के बायस कैनाल रोड और मलहका सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बता रहे हैं कि तलबा का एहतजाज इस वक्त जारी है। डिग्रियां दो ग्लोबल यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है। करीबन बताया जा रहा है कि 150 तलबा हैं जिन्होंने शहर भर की ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी से। बिलाल, क्या सूरत हाल है और क्या कहा जा रहा है इनसे, मुज़ाकरात के लिए कोई पहुंचा? जी बिल्कुल आमना, मैं इस किनार रोड पे मौजूद हूँ और ये कैंपस अंडरपास है। थोड़ा सा आगे जो मुस्लिम टाउन का जो अंडरपास है, इसके दरमियान में ग्लोबल इंस्टीट्यूट के जो तलबा व तालबात हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। ये किनार रोड लाहौर की अहम तरीन शाहरा है। अगर यहाँ पे एक मिनट के लिए ट्रैफिक की रवानी को रोक दिया जाए तो शदीद ट्रैफिक जाम हो जाती है और लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो लग जाती है। और यही सूरत हाल लाहौर के किनार रोड पे है और यहाँ पे शदीद ट्रैफिक भी जाम है, लंबी लंबी कतारें हैं वो भी लगी हैं। लेकिन यहाँ पे जो तलबा व तालबात है उनकी भी काफ़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम जिस कॉलेज से पढ़े यहाँ से 3 से 4 लाख रुपये पे कर दिया है और अब जब डिग्रियाँ लेने की बारी आई है तो हम हर एजुकेशन हमारी डिग्रियों को अटेस्ट नहीं कर रही और हमारा जो इदारा है ग्लोबल इंस्टीट्यूट वो इस हवाले से इनसे तावा नहीं कर रहा। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे तालबात मौजूद है तो उनसे पूछते हैं कि एक्चुअली क्या वजह है, क्यों इनकी जो डिग्री इनको नहीं दी जा रही। मुझे बताइएगा आज एहतजाज का मकसद क्या है, क्यों आप लोग यहाँ पे हैं, क्या आपका जो तलबा हायर एजुकेशन आपकी डिग्री रजिस्टर नहीं कर रहा? सर 1.5 ईयर हो गए हैं, हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन ये हमारी डिग्रीज अटेस्टेशन नहीं करे। 2015 में जब हमने एडमिशन लिया तो इन्होंने बोला कि आपकी डिग्रीज अटेस्टेड होंगी और वेबसाइट पे भी अटेस्टेड वेरीफाइड थी ग्लोबल। लेकिन 16 में जब इशू बना तो इन्होंने बोला कि ये सोल्व आउट हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं होगा। तब से हम ये इशू जो है सोल्व करवाने के चक्कर में है लेकिन हमें कोई इस चीज़ का सोल्व। ये तालबात हैं जो कि शदीद गर्मी में एहतजाज कर रही हैं। आप शौक से एहतजाज करिए, मजबूरी के तहत आपको सड़कों पे आना पड़ा? हमें बहुत मजबूरी के तहत सड़कों पे आना चाहता है। लीम की ये कीमत हो गई कि हमें सड़कों पे बैठ के डिग्रीज लेनी पड़ रही है। हमने जब 2015 में एडमिशन लिया था तो HEC ने हमें सेटिस्फाई किया था कि आपकी डिग्रीज का बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। तो जब आज हमारा बैच कम्प्लीट हो गया तो ये कहते हैं कि हम ग्लोबल को जानते नहीं, हम किधर जाए? ग्लोबल वाले कहते हैं आप HEC के पास जाए, HEC कहते हैं ग्लोबल के पास जाए, हम किधर जाए? हम तो सड़क पर।